पचोरी सांझ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाए है हाई ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के साथ सांझ एलईडी लाइट। अन्य एलईडी लाइट की तुलना में 6 घंटे ज्यादा चले और पूरी 85% बिजली बचाए। 9 वॉट के एलईडी बल्ब 2 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। इंडिया की नंबर 1 ISO सर्टिफाइड कंपनी। तो अपने घर और शॉप की रौनक बढ़ाने के लिए सिर्फ सांझ एलईडी बल्ब अपनाएं। लाडली बहना योजना में आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भले ही खत्म कर दी गई हो, लेकिन लोक सेवा केंद्र में रोजाना लगभग 650 महिलाएं आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंच रही है। इससे लगातार लोक सेवा केंद्र में भीड़ बनी हुई है। लोक सेवा केंद्र के स्टाफ को काम खत्म करने में रोज रात 2:30 से 3 बज रहे हैं। सुबह 10 बजे केंद्र खुलते ही महिलाएं बड़ी संख्या में अपना आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहुंच रही है। इससे एक ओर महिलाओं को जहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लोक सेवा केंद्र पर काम करने वाले स्टाफ की भी परेशानी बढ़ी हुई है। बीते दिन से पहुंची महिलाओं को बिना आवेदन के ही लौटना पड़ा। महिलाओं ने बताया कि सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन नंबर नहीं आया, अब थककर वापस लौट रहे हैं। ज्ञात हो कि पिछले दिनों ही राज्य शासन ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। केवल उन्हें आधार कार्ड और समग्र आईडी लेकर लगने वाले शिविरों में अपना पंजीयन कराने पहुंचना है। बंदारगुंदी में चल रहे नल जल योजना के कार्य के दौरान सर पर एंगल गिरने से एक बुजुर्ग घायल हो गया। घटना शनिवार की सुबह हुई है। मिली जानकारी के अनुसार घायल बुजुर्ग बाबूराव पिता लक्ष्मण हिवसे उम्र 63 वर्ष पंचायत भवन के सामने बैठे थे। रवि हिवसे ने बताया कि योजना के तहत पाइप खींचकर लाए जा रहे थे। इस दौरान एक लोहे का एंगल बाबूराव जी के सिर पर गिर गया, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए और जगह पर ही बेहोश हो गए थे। 108 वाहन की मदद से तत्काल उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है।